उस तरफ का फैन ऑन कर दो, इस तरफ का बंद कर दो। नमस्कार गुरु वंदन करते जय श्री राम सदा हम करते। काशीपुत्र आप सभी लोग का स्वागत करता है काशी की इस धरा पर। देखिए श्री राम भक्ति में लिप्त काशीपुत्र आप सभी के समक्ष महत्वपूर्ण पूजा पाठ वीडियोज लेकर आते हैं। हम एक संचेतना, एक अभ्युदय हिंदू धर्म सनातन संस्कृति के प्रति जो आकर्षण रहा है, जो हमारे इष्ट देवों का प्रभाव रहा है हमारे जीवन पर, जो नित्य नियमित प्रगति के पथ अग्रसरित करते रहते हैं, हमारे जीवन को, जीविका को आनंदमय और सुखी बनाते देव देवियाँ पूजनीय हैं। इन सभी देव देवियों को और विघ्नहर्ता गणेश जी को हम बारम्बार प्रणाम कर। हमने जो संकल्प आपको बताया श्री रामचरितमानस पाठ का, बाल कांड को उस समय बाँच रहे हैं, अपनी संस्कृति को आप पहचानिए, अपनी सभ्यता को जानिए, देखिए क्या कुछ है हमारी संस्कृति, समझिए क्या कुछ है हमारी आस्था, हमारे धर्म की आस्था, हमारे वेदों में जो लिखा है, हमारे पुराणों में जो वर्णित किया है, हमारे महर्षियों ने जो कहा है, उसको आप किस प्रकार से विस्तारित कर रहे हैं, प्रचारित कर रहे हैं, इसका एक महत्वपूर्ण आयाम है काम बदला। आप इनके वीडियोस को भारी मात्रा में लाइक किए, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हिंदू धर्म के, हिंदू आस्था के, हिंदू मंदिरों के, हिंदू घाटों के, स्नानों के महत्वपूर्ण हम वीडियो बनाते हैं। मौनी महोत्सव का हमने एक वीडियो बनाया है, काफ़ी अच्छा आप लोगों ने सराहना की, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी मौनी महोत्सव का मेरा वह वीडियो जरूर देखिएगा, वह ब्लॉग जरूर देखिएगा, क्योंकि काफ़ी रोचक है। और श्री राम के चरणों में काशीपुत्र बारम्बार प्रणाम करता है। आइए हम आवाहन करते हैं, स्मरण करते हैं श्री प्रथमेश श्री गजानन गणपति का। गजाननम भूतगणादिसेवितम कपित्थजम्बुफलचारुवक्षणम उमाश्रुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वरम पादपंकजम। श्री रामचरितमानस को हम पूरा पढ़ेंगे, अभी बालकांड पे हम चल रहे हैं। देखिए गए जाम जुग भूपतियावा घर घर उत्सव बाज बधावा उपरोहिता ही देख सब राजा चकित बिलोकि सुमिरि सोई काजा। जब दोपहर बीत जाने पर राजा आया तो घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा वो अपने उसी कार्य का स्मरण करके आश्चर्य से देखने लगा। और देखियो जो पुरोहित बन के आया हुआ था, जो छलिया राजा था, जिसको नृप ने, हानु ने राजा ने हरा दिया था, वही भेष बदा था और अपना बदला लेने के लिए ऋषि महर्षि पुरोहित के भेष में था, लेकिन राजा उसको पहचान न सके। लेकिन अब यही प्रसंग आता है, हम आगे बढ़ रहे हैं बालकांड में, कि जब जंगल में जाता है राजा, थका हुआ, हरा हुआ शरीर से थका, विश्राम करता है, और जिस राजा को उसने, जिसके राज्य को उसने जीत लिया था, वह दुर्भावनावश पुरोहित बनकर, साधु बनकर वहाँ बैठा था एकांत में, और उसने राजा का छल का ये जो प्रपंच किया, उसके बाद राजा की ये जो प्रसंग है, यही मैं आपको सुना रहा हूँ। विविध मृगान कर या मचिदाधा ते माओबे प्रमा सुखल साधा भोजन कहु सब विप्र बुलाई
पद पखारी सादर बैठाए। ये भी प्रसंग हमने आपको बता दिया पिछले ब्लॉग में, अब आगे देखिए। पारुषण जब ही लाग मही पाला, भय आकाश पानी ते ही काला, विप्र बिंद उठी उठी गृह जाऊ, है बड़ी हानि अन्न जन खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल के दुखित आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, उठ उठ कर अपने घर जाओ, ये अन्न मत खाओ, इसको खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भुसुर माशु, सब द्विज उठे मान विश्वासु, भूप विकाल मति मोहा भुलानी, भावी बसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है, आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, लेकिन उसकी बुद्धि मोह में फूली हुई थी, उसी पुरोहित के मोह में, जिसको उस राजा ने जीता था, वह अभी राजा था, और साधु वेश में उसका अहित करने के लिए इस तरीके का प्रपंच रचा और ब्राह्मणों का मांस ही परोस दिया। उसने बनकर अपने प्रपंच को वहां पर तारित किया, होनहारवश उसके मुंह से एक बात भी नहीं निकली कि बोले बे प्रासकोप तब नहीं कचुकीन विचार, जायनी साचर हो निरप मूर सहित परिवार। तब ब्राह्मण कोत सहित बोल उठे, उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया, अरे मूर्ख राजा, जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छात्र बंधु ते प्रभुलाई, गाल लिए साहित्य समुदाई, ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसित समेत परिवारा। रेनी छत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था, ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की आकाशवाणी के द्वारा, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। राजा ने जिसको पुरोहित समझा, साधु समझा जंगल में, उसने ही ऐसे प्रपंच गढ़ा और राजा को फंसा दिया। संबद मध्यनाथ तब हो जलदाता न रही कल को, निरपसुनी श्राप विकल अति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा काशा। एक वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। सुंदर आकाशवाणी हुई, बे प्रभु श्राप विचार न दीन्हा, नहीं अपराध भूप का चुकीन्हा। भूप का मतलब नरेश, राजा नृप। चकित बे प्रसव सुनी नभवाणी, नभवाणी का मतलब, नभ का मतलब आकाश, आकाश वाणी। भूप गया जहा भोजन खानी, हे ब्राह्मणो, तुमने विचार कर श्राप नहीं किया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था, तहना शरण है प्रसुआरा, फिर उराऊ मन सोच पारा, सब प्रसंग मही शरण सुनाई, त्रसित परे वनिया कुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोइया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा, उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया, बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मेटाई नहीं,
जात्या बिना दूषर तो ये अन्यथा हो ही नहीं बे प्रश्राप अति हो। राजन यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी तरह भी टाली टल नहीं सकता। आस कही सब मही देवा सिधाई समाचार पूरे लोघन पाई सोचई दूषण देव ही दे ही। बिरजत हंस काग किय जेही। हे भगवान, ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। उपरोहिता ही भावना पहुंचाई असुर ताप सही खबरी जनाई देखल जहां तह पात्र उठाई सारी सारी सेन भूप सब धाई। रोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब राजा सेना साज सजाकर दौड़े। ये निनागर निशान बजाई विविध भांति नित हो ही लड़ाई जूझे सकल सुभट कर करनी बंद समेत परि नृप धरनी। नृप का मतलब राजा। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा। सत्य केतु कुल को नहीं बाचा बेप्रश्राप की में हो ही असाचा रे बुझी साबा नृप नगर बसाई निजपुर गवन जय जसुपाई। सत्य केतु के कुल में कोई भी नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चली गए। यही पर एक बड़ा ही महत्वपूर्ण दोहा आता है। भारद्वाज सुनी चाहि जब होई विधाता भाम दुरिमेरु समय जनक जम ताहि व्याल समदाम। याज्ञवल्क जी कहते हैं, हे भरद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान, पिता यम के समान, रस्सी सांप के समान हो जाते हैं। काल पाए मुनि सुन सोई राजा भय निशाचर सहित समाजा दस सिर ताहि बीस भुज दंडा रावण नाम वीर बरि बंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ और उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। फिर से इसको आप देखिए चौपाई को, रावण का कहाँ से प्रादुर्भाव हुआ। महारावण का प्रादुर्भाव ये है, यही लिखा है बालकांड में 175वें दोहे में। बालकांड के लिखा हुआ है कि नीचे एक चौपाई है, सुनिए याज्ञवल्क्य जी क्या कहते हैं। उन्होंने बताया कि हे भरद्वाज
सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तो उसके लिए धूल सुमेरी पर्वत के समान हो जाती है, पिता यम के समान हो जाता है, रसी सांप के समान हो जाती है। और यही एक चौपाई है 175वें दोहे के साथ, काल पाए मुने सुन सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा, दस सिर ताही बीस भुज दंडा, रावण नाम वीर परिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ, उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और बड़ा ही प्रचंड सूर्य था। उपानुजयारी मारतानी नामा, भयउसो कुंभाकरण बल धामा, सचिव जो राधमारा रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुताशु। हरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्मरुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जी जग जाना, विष्णु भगत भी ज्ञान निधाना, रहि जे सत से बक नृप के रे, भय निशाचर दूर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसने सारा जगत जानता है, वो विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए, क्योंकि विप्र का श्राप कभी भी असत्य या मिथ्या नहीं होता। काम रूप खला जिन से अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका, कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरिन जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए, उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जाद्यापि पुलास्त्य कुल, पावर मलयनु तात्यापि महिसुर श्राप बस, भय सकल अघरु। यद्यप वे पुलस्त ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। कि न विभेद तप तीनु भाई, परमा उग्र नहीं बरनी सो जाई, गया निकट तप देखी विधाता, मागहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनके उग्र तप को देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूं, वर मांगू। इसके बाद कर विनती पाद गाहिता सीसा, बोले बचन सुनाऊं जगदीशा, हम काहू के मर ही न मारी, बानर मनुज जाती दुई बारी। रावण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन दो जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, ये वर दीजिए। एवं मास्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिली तेही बार दीन्हा, मुनि प्रभु कुंभकर्ण पहि गयो, तेही लोकी मामा विस्मय भयो।
शिव जी कहते हैं मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया, ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए, उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो खाला नित करब आहारू हो सब उजार संसारू सादर प्रेरिता से मति फेरी माग सिनीद माँ शठ के। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा, ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम हे राम राम रामाय नमः श्री गणेशाय नमः महादेवाय नमः जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय श्री राम। मात गंगेश्वरी नमो नमः, मात अन्नपूर्णेश्वरी नमो नमः, मात शीतले नमो नमः, विशालाक्षाई नमो नमः, देवी गौरे नमो नमः, शीतलाई नमो नमः, शरण अन्नपूर्णाय नमो नमः, बगलामुखीश्च नमो नमः, देवी अपराजिताय नमो नमः, त्रिपुर सुंदराय नमो नमः, सर्वशक्तिभ्यो नमो नमः, अष्टभैरवाय नमः, द्वादशादित्याय नमः, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। भक्तों, अगला ब्लॉग लेकर हम फिर आपके समक्ष आएंगे भारी मात्रा में। ब्लॉग को श्री रामचरितमानस रामायण इसी नाम से हम प्लेलिस्ट बनाए हैं। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। राशि पुत्र आपका पुनः अभिनंदन। जय श्री राम, जय मारंगा, हर हर महादेव। अगला ब्लॉग लेकर फिर आएंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।